जाएंगे, डेल्टा पीजी हो जाते हैं कंफर्म राइवलरी स्पोर्ट्स की तरफ से, एंड वी आर मूविंग ऑन टू द फिफ्थ सर्कल। 13 टीमें बच जाती है, 45 खिलाड़ी यहां से बच जाते हैं। 19 मिनट का ये मैच हो चुका है, इंटेंसिटी बहुत आई है क्योंकि बैक्सी के ऊपर एक ग्रेनेड आता है जो ऑरेंज रॉक को थोड़ा सा पीछे कर जाती है। इट्स नन अदर दैन ज़ी गॉड, और ये शायद फिनिश स्पीड में नाम अब किसी और का नहीं, क्लच गॉड का आता है। तो 5 फिनिश पॉइंट्स टीम गॉडलाइक के पास, डाउन द रेंज फंसी हुई ऑरेंज रॉक की टीम पर। क्या गॉडलाइक की टीम भारी पड़ सकती है, क्या ज़ी गॉड यहां पर अपने स्प्रेज और ग्रेनेड्स के चलते बैकफुट पे ढकेल सकते हैं ऑरेंज रॉक की टीम को। बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर ये मैच जा चुका है, जहां पे जोन के सेंटर से टीम सोल अग्रस कर रही है, कॉर्नर के एजेस क्लियर करते हुए गॉडलाइक की टीम हर उस हर्डल को क्लियर करती जा रही है जो उनके रास्ते में आ रहे हैं। वेल, टीम सोल इज द ओनली टीम राइट नाउ जो कि सर्कल के अंदर बैठे हुए है। मॉवी को क्रेडिट्स यहां पे देना ही पड़ेगा। सर्कल प्रेडिक्शन की बात करेंगे, दिस इज द गाय यू विल बी लुकिंग आउट फॉर। लेकिन खतरा है, खतरा बहुत ज्यादा है। तीन डायरेक्शन से सैंडविच होने वाली है टीम सोल। आई कैन सी सेल्सियस के सैगी क्रीपिंग इन स्लोली स्लोली, गॉडलाइक भी यहां पे एक नॉर्थ वेस्टर्न रोटेशन लेना चाह रहे हैं। ऑन द अदर साइड स्काईलाइज गेमिंग ऊपर से आ रहे हैं, ओआर के डेस्ट्रो एंगेज करते हैं सेल्सियस ईस्पोर्ट्स को। सेल्सियस दी राइजिंग अंडरडॉग टीम यहां पर हैमर डाउन हो रहे हैं। एक साइड में है रेवेनेंट, दूसरे साइड में यहां पे सोल रहने वाले हैं। ऑन द अदर साइड राइवलरी के साथ साथ यहां पर एंगेज करेंगे सोल के मवी। उतना क्रियोटिक मामला भी नहीं है, टीम सोल के पास एक बहुत बेहतर स्पॉट है। यहां से नॉक्स नहीं आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट ये मिड रेंज में जितनी भी रोटेशन जा रही है उसमें आपकी स्प्रे की बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है, और यहां से नॉक्स निकालने का मौका बहुत अच्छा है। एस्टेक्स के एक ही जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे वो भी डाउन हो चुके हैं, डाउन टू 12। हमारी एक और टीम यहां से एलिमिनेट हो चुकी है। अगर आप साउथ ईस्ट कॉर्नर की बात करेंगे तो वहां पर आपको दो राइजिंग स्टार्स की टीम आपस में फाइट करती हुई मिल जाएंगी। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर आपको स्काईलाइट्स और गॉडलाइक का मुकाबला मिलेगा, और स्काउट का यहां पर प्ले आता है। स्मोकी ऑन टू द अदर साइड, यहां पर अभी के लिए मिड रेंज में थोड़ा सा परेशान करते हुए टेनेसिटी के प्लेयर्स को, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स स्काईलाइट्स के साथ फाइट में इन्वॉल्व है। सो स्काउट यहां पर टेनेसिटी के प्लेयर्स एक्टिव बना उससे कि सेंटर से जितने भी प्लेयर्स की रोटेशन जा रही है वहां से प्लेयर्स को डाउन करना कुछ खास मुश्किल है नहीं। एरिया बहुत ज्यादा अच्छा है, और यहां से जो एक्सपेक्टेशंस हैं टीम से खड़ी उतरती हुई दिख रही है। हाई ग्राउंड प्लस ट्रेंच कवर, और क्या चाहिए टीम सोल को। लगातार आप देख सकते हैं यहां पर डैमेज दे रहे टीम सोल हर एक डायरेक्शन में। जाइए आप लोग भी इस फाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं यहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इसी के साथ साथ जो भी स्टैंडिंग्स हैं वो आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर @skysportsgaming को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रीम को, बिकॉज एक्साइटमेंट एंटरटेनमेंट, एंड ऑफ कोर्स यहां पे एंटरटेनमेंट जब है तब आपको कंपटीशन भी देखने का मौका मिलेगा। एंजॉय कीजिए एंड उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओ गॉड, लाइक की टीम स्काईलाइट्स के साथ पिनबॉल की बार कोस गेमिंग को भी थोड़ा सा परेशान करती हुई है खिलाड़ियां। वाओ, नियो का एक और स्प्रे, सूर्य को भी नॉक कर दिया जाता है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी बचा हुआ है, 5 से सीधा 9 फिनिश पॉइंट्स हो सकते हैं गॉडलाइक के नाम। नियो यहां पर 2 प्लेयर्स को डाउन कर चुके हैं, पेड़ के पीछे एक खिलाड़ी बचा हुआ है। नियो पीछे से सरप्राइज अटैक का शिकार भी हो सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान उस चीज का रखना पड़ेगा। नहीं है नियो को आइडिया कि पीछे से एरिया क्लियर नहीं है, बट अब शायद हो चुका बिकॉज फिनिशेस में इजाफा होता हमने देख लिया। 5 से हो गए 8, जोनाथन वहां पर रौनक को फिनिश ऑफ कर जाते हैं। एंटो यहां पर बचेंगे, और टेस्ट्रो को रिवाइवल मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होने वाला है। वेल, अगर आप पोजीशन की बात करेंगे, अभी भी सेंटर सर्कल में बैठे हुए सारंग यहां पे आप देख सकते हैं फिनिश ऑफ हो जाते हैं, एंड धीरे धीरे करके हर एक चीज यहां पे कन्वर्ट हो रही है टीम सोल के फेवर में। फिर से जोन जाता है सोल के पास। आपको क्या लगता है दर्शकों, कौन सी टीम जीतने वाली है? इंस्टाग्राम पे जाइए, वोट कीजिए, पोलिंग सेक्शन यहां पे खोल दिए गए हैं। कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है? सोल मॉर्टल कमिंग अप इन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिनिश फील्ड, एक 1v3 लेके जाने वाले हैं अपने ग्रेनेड के साथ साथ। जोन के सेंटर में मॉर्टल को सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को बिठा दिया। स्काउट वहां पर अपनी डीएमआर के साथ क्लच गॉड को डाउन करते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 14 फिनिशेस के साथ। मुझे वो सेगमेंट दोबारा से याद आ रहे हैं कि जब जीतना सबसे ज्यादा जरूरी होता है तब टीम सोल आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। सेमीफाइनल्स का वो आखिरी मैच और ग्रैंड फाइनल्स के छठे दिन का पहला मुकाबला, यहां से कुछ और ही फॉर्म में नजर आ रही है टीम सोल। एक अलग ही माइंडसेट के साथ यहां पर देखने को मिल जाएगी, और ये रिजल्ट्स अगर इनके फेवर में जाते हैं तो अभी तक के जितने सवाल आते कि क्या कर पाएगी, क्या टॉप 5 आएगी, सब सवालों पर पानी फेर दिया जाएगा, बिकॉज यहां से कुछ भी हो सकता है। जोनाथन पर यहां पर डैमेज दिया जा रहा है डीएमआर के चलते। ब्यूटी विद दैट डीएमआर, गॉड एंड जोनाथन इज ऑन हिज नीज, वी हैव क्लच गॉड अप देयर। स्काउट हर उस जगह पे जहां पर ये मिनी 14 का आईडीएस खोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉकआउट ही खोज रहे हैं। 7 सोलो फिनिश पॉइंट्स इनके नाम। लुक एट द स्प्लिट ऑफ टीम सोल, कोई भी खिलाड़ी साथ में नहीं है। स्काउट एक एंगल पे है, मॉर्टल दूसरे एंगल पे है, मैं देख सकता हूं दूसरी तरफ में मवी खेल रहे हैं, एंड रेगल्टॉस से कलर की दुनिया में यहां पे स्पैम किया जा रहा है मिनी 14 के साथ साथ। सब प्रेशर का जो फायदा मिल रहा है रेगल्टॉस, यहां पे ऑस्टिन का भी फिनिश ऑफ लेके जाने वाले। टॉप डॉग को भी किया जाता है फिनिश।
स्काउट को यहाँ पे फाइनली करेंगे नॉकआउट, लेकिन कौन सी टीम है वो? इट्स गोइंग टू बी सेवन सीज, अभी संभल के रहना पड़ेगा। और मवी का बैकअप आता है जय दिक्कत में, और वीरू ना है, कैसे हो सकता है ये मुमकिन? बसंती क्या गब्बर भी ना चाह देंगे आज 18 फिनिशर्स के साथ टीम सोल की डोमिनेशन। त्रिवेदी साहब को यहाँ पर मोर्टल और स्काउट दोनों को रिवाइवल देना है, जोन के बाहर है, 72 मीटर तक जाना है। अगर रेगल टॉस मॉडल को रिवाइवल दे देते तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जोनाथन को फिनिश ऑफ कर यहां पर 19 फिनिशेस के साथ टीम सोल काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बट गॉटलेक के दो खिलाड़ी अभी भी बचे हुए हैं जिनके पास जोन का एक बेहतर एरिया है, जो दो प्लेयर्स नॉक है, अगर वो डाउन हो जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि यहां से इक्वेशन थोड़ी सी बराबर ही हो चुकी है। प्रिंस यहां पर स्काउट को पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर जाते हैं। मॉडल जो नॉक है उन्हें रिवाइवल देना मुझे आसान नहीं लग रहा कैप्टन, एंड ये इक्वेशन कहीं ना कहीं 2v2v2 पर ही आ चुकी है। वेल रेगल्टॉस कोशिश तो कर रहे हैं मॉडल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, नियो यहां पे 7 सीज के ऊपर थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे, मतलब 7 सीज को भी जूझना पड़ेगा यहां पर दो टीम के साथ साथ। तीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम्स है ये, टीम सोल, 7 सीज एंड गॉड लाइक क्लच गॉड जब तक है तब तक मुमकिन है ये फाइट लेके जाना। रेगल्टॉस भी यहां पे हार नहीं मानने वाले हैं, वो आते हैं रिवाइव देंगे मॉडल को। फाइट यहां पे 3v2v2 पे कन्वर्ट होता हुआ, एक जो टेबल में सेकंड पे है, एक जो टेबल में थर्ड पे है, और एक जो कहती है कि हमें दिन से मतलब नहीं है, 12 मैचेस वी आर अप टू इट। यहां पर अब डोमिनेशन की बारी आ चुकी है, रेगल्टॉस मॉडल एंड मवी एक ईस्टर्न कॉर्नर पर, सामने से आपको मिल जाएंगे 7 सीज के दो, वेस्टर्न साइड पर आपको मिल जाएंगे टीम गॉडलाइक के दो खिलाड़ी। बट जोन अगर इस पूरे मैच में किसी से अपनी दोस्ती सही तरीके से निभा पाया तो इट वॉज टीम सोल, अभी तक भी सर्कल के अंदर है और गेट कीप करना मुझे यहां से बहुत मुश्किल नजर नहीं आ रहा। 19 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, क्लच गॉड यहां पर अभी के लिए प्रिंस ऑफ स्प्रे गॉड की इस डुओ डोमिनेशन पर थोड़ा सा भारी प्रहार करते हुए। स्मोक कवर का इस्तेमाल किया जा सकता है, टीम सोल इज लुकिंग फॉर दोस स्मोक कवर्स, एंड ऑलरेडी आप देख सकते हैं रेगल्टॉस स्मोक्स को टॉस आउट कर रहे हैं। 7 सीज के ऊपर पूरी तरीके से यहां पे स्प्रे डाउन किया जा रहा है, रेगल्टॉस को फायदा मिलेगा सप्रेसर का, M16 विद सप्रेसर, मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपकी पोजीशन यहां पे पता नहीं चलने वाली है। क्लच गॉड गोइंग इन फॉर दैट लोअर रिज फ्लैग, यहां पे सोल अगर नहीं दिखते हैं इस लोअर रिज में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, बट नियो पीक करते हैं यहां पर 7 सीज से झटका पड़ने वाला है। रेगल्टॉस ट्राइंग टू बी एग्रेसिव, अगर क्लच गॉड यहां पे स्पॉट हो जाता है देन इट्स ऑल ओवर फॉर टीम गॉड लाइक, नियो को पोजीशन पता हो चुका है, स्प्रे गॉड को किया जाएगा नॉकआउट, एंड 7 सीज के आखिरी खिलाड़ी आई बिलीव इट्स गोइंग टू बी फाइनली, एंड क्लच गॉड को भी किया जाता है नॉकआउट। इट्स अ 1v1v3 फॉर टीम सोल, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सोल विनर विनर चिकन डिनर। माय आवी, व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? Winners don't wait for chances, they make them. यहां पर टीम सोल के पास एक ऐसा मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां से वो फ्लो की आप बात कर रहे थे वो सामने पूरी तरीके से आ चुका है। वाओ, टीम गॉडलाइक यहां से डाउन हो चुकी है, डाउन टू वन, प्रिंस बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग, और तीन खिलाड़ी यहां पर टीम सोल के बच जाते हैं। लुक एट द फिनिशेस, 21 फिनिशेस के साथ टीम सोल यहां पर अपने आज के पहले ही मैच पर चिकन डिनर लेके जाती है। प्रिंस के पास ज्यादा मौका नहीं है जोन के बाहर, और टीम सोल आई थिंक क्या बेहतर स्टार्ट यहां पर हो जाती है। टीम सोल कमिंग अप विद द स्वीट स्मेल ऑफ विक्ट्री फॉर द वेरी फर्स्ट मैच ऑफ ग्रैंड फाइनल्स डे 6। डे 6 की शुरुआत हो तो ऐसे हो, टीम सोल 21-22 फिनिशेस ओवरऑल, सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फिनिशेस हम देख रहे हैं, 7 सीज डोमिनेट करते हुए नजर आए थे, बट व्हाट अ प्ले बाय टीम सोल सर्कल पे रोटेशन लेने के बाद, एंड इमेजिन द लक देयर। मैं यहां पे लक वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई भी टीम सेंटर में आने की कोशिश भी अगर कर रहे थे, मॉर्टल तैयार थे, रेगल्टॉस तैयार थे, स्काउट तैयार थे,